हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आए हैं बिवतास वाटरफॉल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आए हैं बिवतास वाटरफॉल, जो कि है मेरे पीछे। और दोस्तों, आप यहां पर भी आ सकते हैं और ये हर वक्त शायद खुला ही रहता है, जो कि है सुरगाना से काफ़ी नज़दीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप नासिक से आते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा ननासी, और ननासी से आगे एक बारहे गाँव है, वहाँ से आप आ सकते हैं। बारहे गाँव के काफ़ी नज़दीक है ये वाटरफॉल, तो आप देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं। इस दोस्तों, ये वाटरफॉल करीब 1000 फीट ऊंचा है, यानी कि 300 मीटर। और यहाँ पर जो जगह है वह दोनों साइड से एकदम लेवल है, लेकिन बीच में ही एक बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई है, और उसी वजह से यहाँ पर ये वाटरफॉल बन जाता है और उसी खाई में ये गिरता भी है। ये देखिए, ये लोहे के जैसे बैरिकेड्स टाइप बनाए हैं, और वहाँ पर भी आप उस पर भी जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा व्यू नहीं आएगा जो कि यहाँ से आता है। जब आप इस लोहे के आगे जाओगे या फिर वहाँ पर ऐसी जगह पर खड़े होकर देखोगे तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। ये पूरे चारों तरफ ऐसा बनाया गया है दोस्तों। तो अब हम जाते हैं वहाँ पर उस साइड में। तो चलिए हम जाते हैं वहाँ से और वहाँ पर दूसरे साइड से जाते वक्त ये साइड से नज़ारा, और यहाँ से आप वो खाई देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गहरी खाई है और यहाँ से वाटरफॉल भी काफ़ी ज़्यादा गजब का दिखता है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा चारों तरफ बनाया है उस वाटरफॉल के। और हम खड़े थे दोस्तों वहाँ पर, तो अब हम आए हैं इस बाजू से और ये वाटरफॉल यहाँ पर है। लेकिन जब भारी बरसात का मौसम होता है तो जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से भी बारिश गिरती है और वहाँ से भी वाटरफॉल ही बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी और बहुत ज़्यादा बाढ़ आती होगी इस जगह पर, इस नदी में, तो सोचो ना नज़ारा कितना गजब का होता होगा। और ये वाटरफॉल तो बस सोचते ही रह जाओ। ये देखिए, ये नदी और यहाँ से वाटरफॉल है, और यहाँ पर हम खड़े हैं। भारी बरसात के मौसम में जब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल एकदम बड़ा सा दिखता होगा, तो वो देखिए वहाँ पर एक गड्ढा सा बना हुआ है, वाटरफॉल का पानी वहाँ पर गिरता होगा शायद। हमने तो देखा नहीं है, लेकिन उस गड्ढे को देखकर ऐसा ही लगता है। इस झरने के नीचे, मतलब उस पानी के नीचे हम जा नहीं सकते, और इसलिए शायद यहाँ पर थोड़ा पर्यटन स्थल का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन अगर वहाँ पर जा पाते तो काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि तभी ज़्यादा इस पानी का मज़ा लिया जा सकता था। लेकिन वहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको गाड़ी पार्क करने के लिए एकदम खाली जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है पार्किंग का, तो एक बार ज़रूर आइएगा दोस्तों, अगर आप आसपास के हैं या फिर अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। दोस्तों, आपको ये बिवतास वाटरफॉल कैसा लगा या फिर मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर कोई आप लोगों का कोई सुझाव हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।